6 फरवरी सुबह के 4 बजे का है वक्त। तुर्की के शहर में आया ऐसा जिलजिला जिसने मिनटों में पूरा का पूरा शहर उजाड़ के रख दिया। वक्फे वक्फे से आने वाले 3 झटकों से पूरा शहर जमीन बूस हो गया। झटके इस कदर शदीद थे कि किसी को संभलने का मौका ही ना मिला। जो जिस जगह था वहीं मनो मट्टी तले दफन हो गया। वो तुर्की जो मुस्लिम ममालिक में एक तरक्की याफ्ता मुल्क समझा जाता था, आज न जाने किसकी नजर लग गई इस मुल्क को। सवाल ये पैदा होता है कि आया ये जिलजिले कुदरत की तरफ से थे या हमारे अपने पैदा करदा। गुज़श्ता कुछ महीनों से ये बात गर्दिश कर रही है कि अमेरिका ने हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी दुनिया में कहीं भी तबाही फैलाने का मंसूबा बना लिया है, जो उसने एक कार्टून के जरिए आज से 20 साल पहले पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि हम कहां और किस वक्त किस मुल्क को उजाड़ के रखेंगे। ये सब कुछ 20 साल पहले अमेरिका ने सबको बता दिया था। चाइना जो इस वक्त दुनिया में एक ताकतवर मुल्क के तौर पर उभर रहा है, उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए ये पहला इशारा है। हम बहैसियत एक मुसलमान कौम के ये ईमान रखते हैं कि मौत बरहक है और कयामत को भी आना है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ की इस आयत में है।
मगर इस बात से भी इनकार नहीं कि दज्जाली ताकतें भी अपना सर उभार रही हैं। मगर अल्लाह हर चीज पर कादिर है और अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।